Let us take you to the makeup room of your favorite actress Aparna, also known as Devika from the show Kalash. Here Aparna told us that what all she carry in her bag when she leaves the house for the set. Actually main aajkal mere liye bahut hectic ho gaya hai kyunki almost har scene mein I have to change my clothes, to bahut control rakhna padta hai, patience bahut zaruri hai, but every morning I tell to myself ki it's gonna be a good day. And actually main bahut hi funny baat lagti hai ki acha bacche aise karte hai, but it works. Agar aap apne aap ko se samjhao ki aaj acha hone wala hai, main apna patience lose nahi करूँगी. एंड कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती, हम अनॉय हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, बट अगर आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है. सो आई ट्राई की फॉरगेट इट, आई लाइक टू सी एट द लार्जर पर्सपेक्टिव की वट एवर आई एम गेटिंग एंड ऑल द पीपल दैट आर लविंग मी, ऑल माई फैंस जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो उसके आगे ये सब कुछ बहुत छोटा है. सो लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी, दैट इज़ वाई. मैं सबसे पहले मुझे पता होता है कि ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स मैं बाहर रहने वाली हूँ आने जाने का, ट्रैवलिंग का, तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन, अपना चार्जर कैरी करती हूँ बिकॉज दैट इज़ माई लाइफ लाइन. अपने फ़ोन से मैं उन सारे लोगों से कनेक्ट रह सकती हूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ शूट पर नहीं होती हूँ, लाइक माई मॉम एंड माई फ्रेंड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि आज हमारी बहुत अजीब शिफ्ट है, तो इसमें बस मेरा लंच बॉक्स है, my tiffin box, and this is my plate, this is apple wala dabba and a spoon. That's plate mujhe achhi lagti hai, aise bachcho jaisi cheeze I really like. तो एक मेरी बाबी की बॉटल भी है जो मैं कैरी करती हूँ, वो आज मैं नहीं लाई हूँ जल्दी जल्दी में, बट दैट्स माई सिपर. और सब मेरा मजाक उड़ाते रहते कि वॉट आई यू आर किड, बट आई फील कि ये सब चीज़ें करने से आप अपने आप को खुश रख सकते हो. सो आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू कीप मी हैप्पी, आई हैव माई सेल्फ. तो या दिस इज़ माई डब्बा एंड दिस इज़ माई बैग. इसके अंदर बैग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा परफ्यूम है, दिस इज़ माई फेवरेट परफ्यूम, और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं लगाती. देन दिस इज़ अ बुक, मैं इसको बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, एंड वेन एवर आई फील लो आई जस्ट रीड इट, आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टिंग फॉर मी. एंड दिस इज़ माई डायरी, आई राइट वेन एवर आई फील लाइक राइटिंग, आई एम नॉट अ राइटर. मैं रैंडमली अगर मुझे कुछ लिखने का मन करता है तो मैं लिख देती हूँ. नो नो आई कांट शो यू दिस, दिस इज टू पर्सनल, दिस डायरी इज़ टू पर्सनल. और इसके अंदर कोई भी नहीं, किसी ने ही पढ़ी है डायरी एक्सेप्ट फॉर मी, लाइक नो बडी इन दिस वर्ल्ड, एंड आई विश कि कोई ना पढ़े, इसलिए मैं अपना रूम लॉक करके जाती हूँ. दिस इज़ माई इयर रिंग्स कलेक्शन, एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन इयर रिंग्स. तो जब भी मुझे यहाँ की इयररिंग्स नहीं पसंद आते या मुझे कभी अपने मन से पहनने होते हैं, तो मेरे पास पूरा कलेक्शन है कि मैं आराम से चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी इयररिंग्स अच्छी नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता. तो दिस इज़ माय फैन गिफ्टेड मी दिस, तो मैं इसको कैरी करती हूँ ऐसे, दिस जस्ट अ बटरफ्लाई. तो मेरे पास अपनी कुछ एक्सेसरीज है जिससे अगर इन लोग के एक्सेसरीज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं कैरी कर लेती हूँ. दिस इज़ माय नेल पेन, ये बहुत ही कम है. मेरा फेवरेट, आपको सारे इसमें सिर्फ पीच और पिंक शेड्स दिखेंगे, सो यू कैन नो दैट आई ओनली लाइक ऑल दीज कलर्स. बट आई हैव लॉट्स ऑफ ये सारे नेल पेंस एंड एवरी थिंग, बट मैं सब कैरी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बहुत कम कैरी करती हूँ. एंड आई एंड अप बाइंग ऑरेंज, पिंक, पीच. तो मेरे फ्रेंड्स बोलती हूँ तो सारे सेम नेल पेंट कलर क्यों लेके आती है, मैं बोलती हूँ ठीक है बोर्ड है वहाँ. और मुझे अभी रिसेंटली चश्मा लगा है, दिस इज माई चश्मा, आई शो यू. या आई एम लुकिंग क्यूट, एक्चुअली आई लुक लाइक प्रज्ञा, ऐसे मुझे लोग ने बोला, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. सो इसको अभी मुझे आदत नहीं है पहनने की, सो आई डोंट पुट इट टू ऑफ, बट इट इज़ देयर. एंड देन आई थिंक माई हेयर बैंड, एंड ये मेरी फ्रेंड के पापा ने मुझे एप्पल दिए, तो उन्होंने एक साथ बहुत सारे एप्पल दे दिए मुझे, सो एप्पल जो मैंने अभी रियलाइज किया. देन दिस इज वन मोर डायरी, दिस इज रैंडम डेट्स वेट्स लिखने के लिए, बस दैट्स इट. सी अगेन द सेम नेल पेंट कलर कहीं से मिला मुझे. देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग बहुत ही अजीब और गरीब शूट जगह शूट करते हैं, एंड आई एम वेरी सेंसिटिव, लाइक माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, तो मुझे हमेशा ये लेके रखना पड़ता है, तो आई कीप डूइंग इट, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड अ क्लचर एंड नथिंग सेट अप, दैट्स इट. रैंडम टिप्स फैंस के लिए ये है कि आपको वो सारी सामान कैरी करने चाहिए जो आपको लगता है कि आप उसके बिना मतलब नहीं रह सकते हो, लाइक अ लिप बाम, और कभी भी आपको मॉस्किटोज काट सकते हैं. मुझे अपनी स्किन के बारे में बहुत पता है, इसलिए आई ऑलवेज कैरी ओडोमॉस एंड अ चार्जर, एंड सो आई हैव अ पोर्टेबल चार्जर ऑल्सो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो वेयर इट इज़, है कहीं ये.
तो ये मैंने बहुत बड़ा ख़रीदा है क्योंकि इससे एक बार में चार पांच मतलब यू जस्ट हैव टू चार्ज इट वंस एंड यू कैन चार्ज योर फोन एटलीस्ट 4-5 times. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई फ़ोन. आई कीप यूजिंग इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, पूरा दिन मैं इसमें लगी रहती हूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ वन मोर रीज़न कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ शूट पे, क्योंकि आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू पीपल हु आर क्लोज टू मी. एंड वेन वी आर शूटिंग एट सम एरियाज यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता तो बहुत ही टॉर्चर हो जाता है मेरे लिए. बट या एंड दिस इज़ माई स्पीकर. मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है. सो दिस इज़ अ स्पीकर आई कैरी. छतरी, ऑफकोर्स मेरे पास छतरी होती है. मेरी कार में हमेशा यू आई हैव अम्ब्रेला. इनफैक्ट मैं अम्ब्रेला पीछे नहीं आगे रखती हूँ ताकि दरवाज़ा खोलते ही मेरे पास अम्ब्रेला और मुझे डिक्की तक ना जाना पड़े. सो आई एम वेरी इंटेलिजेंट. आई हैव टू अम्ब्रेलाज. और मेरी कार में मेरी एक शूज़, एक चप्पल्स और एक वैसी चप्पल, मतलब तीन चार टाइप के फुटवेयर हमेशा रहते हैं क्योंकि मुझे कभी भी सडनली कुछ भी पहनने का मन कर जाता है. सो आई एम वेरी चूजी इन माई फुटवेयर्स कि मुझे चप्पल ही पहननी है, मुझे यही पहनना है. सो आई हैव देम ऑल इन माई कार. या हर बैग हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड, फ्रॉम अ टिफिन बॉक्स टू अ पर्सनल डायरी टू अ फेवरेट कलर नेल पेंट एंड मेनी मोर थिंग्स. हाई, दिस इज अपर्णा दीक्षित. कीप वॉचिंग इंडिया फोरम्स एंड सब्सक्राइब टू व्हाट्सअप टीवी.